आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम है। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुना नहीं पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। फिर तो जल्दी चलें दादाजी। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो, ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने उबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उनलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद उनलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थी और वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबरा तो वहां से फरार हो गया था। चलो फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इतला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है, वहां के वाली महीद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता अख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद।
अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीरे मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम, मैं अभी जाके देखता हूँ। क्या आप लोगों का सफर शाम की तरफ है? हम मशरक की तरफ जा रहे हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? एक महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था, इसके बाद से तो ऐसी कोई और इतला नहीं आई। अमीरे मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था, घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमलावरों के लिए ये जगह बेहद मौजूद है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीरे मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है, हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमलावर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है, अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ वो रे। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुझे नजर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मुकाम से गुजर गए। यूसुफ का है? वो हमारे साथ ही है। ओ खुदाया, यूसुफ तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ आ जाओ, आराम से, आराम से, हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ की फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम, तुम यूसुफ के साथ ठहरो, मैं आगे जाता हूँ और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम सब बेवकूफ और निगम्मे हो, कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे, अब क्या हुआ? तीन बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए, तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। तब पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ, पकड़ो उसको, कौन है वहां?
मैं गवर्नर मूसा बिन नुसैर का कमांडर हूँ और एक अहम सफर पर हूँ। मेरे एक जख्मी साथी को इस वक्त इलाज की फौरी जरूरत है। यूसुफ, तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना पूरा इलाज कराओ, इंशाल्लाह जल्दी सहतियाब हो जाओगे। अस्सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर बेटा, सुनाओ कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। खुदा का शुक्र है कि पूरे शुमाली अफ्रीका पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया है। कबायली बगावतों को भी हम बेहतर अंदाज से खत्म कर रहे हैं। इस पर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मेरे खुदाया, क्या हुआ बाबा? शाम के रास्ते में बागियों के हाथ हमारा एक सिपाही जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया है। अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। मूसा बिन नसीर कब्रिस्तान गए हैं। खैरियत तो है? हमारे सिपाही यूसुफ की शहादत हो गई है। ए अल्लाह, हमें भी सादत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा। अस्सलाम वालेकुम कमांडर तारिक। वालेकुम अस्सलाम मुझे साथियों, कैसे हो? हम तो बस खुदाफिस कहने आए हैं आपको। खैरियत कहाँ की रवानगी है? हमें स्पेन के सफर पर भेजा जा रहा है, कुछ मालूमात लानी है। जुल्म तो पहले से हो रहा था मगर अब खबर आई है कि ज्यादा बढ़ गया और इस बात की तहकीक हम वहाँ पहुँच कर ही कर पाएंगे। दोस्तों, लगता है अब उन लोगों को भी इस्लाम का मजा चखना पड़ेगा। खैर, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हद हो गई है जुल्म की, खुदा गारत करे इन जालिमों को। इंसानी जान की तो कोई औकात ही नहीं इन कलीसाई दरिंदों की नजर में। मगर इन लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया है? जुर्म? कलीसा ने जिसे काफिर करार दे दिया तो जुर्म की क्या जरूरत रह गई? हजरत ईसा अलैहि सलाम की असल तालीमात को छोड़कर ये कलीसा वाले अब खुद ही खुदा बन बैठे हैं। दोस्तों, जरा ठहरो, मैं तुम्हें एक बिरादराना तजवीज देना चाहूंगा कि उल्लस में तुम अपनी इबादत को कभी किसी खुली जगह मत करना। मैं खुद भी लोगों से छुपकर अपनी इबादत करता हूँ। इस वक्त हिकमत का तकाजा यही है कि हम अपनी इबादत खुल्लम खुल्ला ना करें। आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया, हम पूरी एहतियात करेंगे। अच्छा, क्या आप यहाँ के मुसलमानों से राब्ता करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम राजदारी से हो जाए, लेकिन ये काम बादशाह के जासूसों से छुपकर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कौन लोग हैं? जी, हमें बिलाल ने भेजा है। ओह, बिलाल ने भेजा है। बेटे यहाँ आओ, जरा मेहमान मुसाफिरों की कुछ तवाजो करो।
شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں، ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم صاحب آپ فکر نہ کریں، ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بابا کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے۔ مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے۔ ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے۔ لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا۔ لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے۔ وہ دیکھو اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں۔ چلو اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ واہ بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی۔ جناب یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف ہیں۔ یہ گورنر کے آدمی ہیں، جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے۔ ہاں وہ دیکھو۔ یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا، یہ گھوڑے ہمیں دے دو۔ اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے۔ ہاں کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ۔ کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو۔ میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے۔
वैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है अपने नौजवान कमांडरों की, हो सकता है इनमें से कोई नाम आपकी समझ में आ जाए। शुमाली अफ्रीका में इस्लाम मजबूत होता जा रहा था। स्पेन के बादशाह टेस्टिजन की अचानक मौत के बाद स्पेन के दारुल हुकूमत टोरिरो में उसके 16 साल बेटे अल्फांसो को तख्तनशीन किया जा रहा है। मैं मौजूद अल्फांसो को स्पेन की बादशाहत का ताज पहनाता हूँ। बादशाह टेस्टिजन का बेटा अल्फांसो अब हमारा बादशाह होगा। हम सब इसकी ताज का इकरार करते हैं। मेरी बादशाहत की खुशी में आप सब मेरे साथ खुशी का ये जाम पिए। आज मैं आप सब से बेहद खुश हूँ। हम सब स्पेन की आबरू हैं। अजीम स्पेन जिंदाबाद। स्पेन जिंदाबाद। स्पेन जिंदाबाद। बादशाह को मुबारक हो। आप सब बारी बारी आएंगे। रोम से आए हुए तमाम पादरी हजरात मुबारकबाद की इब्तिदा करेंगे। सोलह साल का बादशाह बहुत मुश्किल होगी। बादशाह की बीमारी के दौरान तो मसाइल और भी बढ़ गए। अब ये बच्चा इन्हें कैसे हल करेगा? हाँ रॉड्रिक, वो आप सब हल कर लेगा, मगर मुझे नहीं लगता कि वो स्पेन को बचा पाएगा। जान लो वो अब हमारा बादशाह है, बच्चा नहीं है। मैं कुछ तुमसे मजाक नहीं कर रहा, समझे? अरे माफ कीजिएगा मेरे मोहतरम, जरा पांव डगमगा गए थे। आपकी बेटी फ्लोरेंडा को बादशाह की मंगेतर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। कोई बात नहीं ट्रेला, वैसे भी आज बड़ी खुशी का मौका है। ये बताओ बादशाह से मुलाकात हो सकेगी या नहीं? शुक्रिया जनाब, ये तो आपका आला ज़र्फ़, वरना कोई और होता तो ना जाने मेरा क्या हो जाता। और मुलाकात की आप फिक्र न करें, बस दुआ करें कि हमारे जनरलों के सारे शब्द जल्द खत्म हो जाए। ओ, तो तुम्हारा इशारा रॉड्रिक की तरफ है। जी जी, जरा आहिस्ता बोलिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। जनरल रॉड्रिक, तुम्हारे इलाके में बगावत कब तक चलेगी? क्या तुमसे ये काबू नहीं आ रहा? इस बच्चे के साथ तो ये मुमकिन नहीं है। बाकी के इन पहाड़ी बागियों के लिए जनरल रॉड्रिक का नाम ही काफी है। बादशाह की कोई जरूरत नहीं इस मामले में। स्पेन की क़यादत सबसे अहम चीज है। हम बागियों को पहले ही मुहासरे में ले चुके थे। इस वक्त बादशाह की मौत की इत्तला हमें मिली तो हमें यहाँ आना पड़ा। आपके ख्याल में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे? अरे कौन साहब, कैसे हैं आप? और दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून फ्लोरेंडा कैसी हैं आप? मुझे ये रॉड्रिक सही आदमी नहीं लगता। आज सुबह ही ये खबर आई है कि खलीफा ने हमारी हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया है और फैसलों में इख्तियारात से नवाजा है। साथ ही शुमाली अफ्रीका में कयाम अमन की खबर हमारे लिए मुसर्रत का बाइस है। अब तंजा का मामला बाकी है, जिसके लिए मैंने मशावरत से ये फैसला किया है कि वहाँ के कमांडर और वाली की हैसियत से ये अहम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए। इंशाल्लाह आप मेरे इंतखाब पर शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं अपनी पूरी तवानाइयां इस्लामी हुकूमत के क़याम और इस्तेकाम में लगाऊंगा। इंशाल्लाह तुम्हारी क़यादत में मारका जरूर सर होगा। खुश आमदीद, सेप्टे के लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। मुझे भी बहुत याद आ रहा था, सेप्टे जैसा शहर कहीं नहीं है। आओ और बताओ क्या खबरें हैं। आप सही कहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक रहा। बस मुसलमानों के बारे में इतला आई है कि वो तिंजा की जानिब सफर कर रहे हैं। वो अच्छे लोग हैं, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक कबूतर के जरिए पैगाम आया है टोरिडो से, उसे जल्दी लाओ। क्या हो गया?
अल्फांसो को तख्त से उतार दिया गया। ये कौन हो सकता है? मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है, ऐ खुदा रहम फरमा। जनाब ये किसने किया होगा? कौन कर सकता है जनरल रॉड्रिक के सिवा? वो महल में भी इस तरह की हरकतें कर रहा था, इससे ये नियत साफ जाहिर थी। अल्फांसो को भी उसने लापता कर दिया है, फ्लोरिंडा अभी तक वहीं है, इसका मतलब है वो खतरे में है। मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। क्या करें? ऐसा करो, कुछ लोगों को भेजो, किसी तरह से उसको यहाँ पे लेकर आओ, उसकी माँ की बीमारी की खबर उस तक पहुँचाओ, वरना फिर उसको अगवा करा लो। हमें लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए, जुल्म करने से आवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। हुजूर, तारीख दान होने की हैसियत से मैं तो तारीख का सबक आपको बता रहा हूँ। हुजूर, वो गिरजा के पादरी आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इनको कमरे में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। फरमाइए मौसिस पादरी हजरत, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे जो पादरी कत्ल हुए थे, अब तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। गिरजे में बेइत्मीनानी की फजा है। जब से मैंने अल्फांसो से इख्तदार संभाला है, सबसे ज्यादा एतमाद मुझे पादरियों पर है। अगर इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं यहाँ ना होता, और आप लोगों का ये कर्ज मैं बहुत बेहतर तौर पर उतार चुका हूँ। चंद लोग साजिशें करके हमारे लोगों को कलीसा की तालीमात से दूर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ मुकम्मल तआवुन करेंगे। अमीर तारिक, अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ए अल्लाह, तंजा में अमन अमान और तेरे दीन के निजाम को कायम करने में हमारी मदद फरमा। कैब रॉड्रिक को अगर कोई ताकत रोक सकती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मेरा भी इनसे वास्ता रहा है। आइए जनाब, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सेप्टे के हाकिम काउंट जूलियन, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। तारिक साहब, मेरी बंदरगाह आपके इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर हाजिर है। हम आपसे बेहद मुतासिर हैं और आपकी तमाम तर मदद करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, आप एक अच्छे इंसान हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो अर्ज कीजिए। बस तारिक साहब, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ, अगर आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकें तो। ठीक है, आप फिक्र ना करें। उस्ताद मोहतरम, खुशामदीद, कैसे हैं आप? हम सेप्टे के वाली से मिलने गए थे, अच्छा आदमी है। आप सुनाएं कोई अच्छी सी खबर। हाँ, मुझे पता चला मूसा ने तुमको बहुत सलाम भेजा है। वालेकुम असलाम, आइए तशरीफ लाइए। स्पेन के बारे में हमें बहुत सी इतलात आ रही हैं। मैंने इस सिलसिले में गवर्नर को बहुत सी इतलात भी भेजी हैं। वहाँ के कुछ मुसलमान हिजरत करके यहाँ भी पहुँचे हैं। रॉड्रिक के मुजालिम से वहाँ सब तंग हैं और उससे निजात चाहते हैं। हाँ, इसी हवाले से मैं यहाँ आया हूँ कि गवर्नर मूसा बिन नुसैर की जानिब से तुम्हारे लिए स्पेन की जानिब सफर की इजाज़त मिल गई है। इजाज़त मिल गई है? आपने तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी उस्ताद मोहतरम। यकीन जानिए, स्पेन मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सेप्टे का वाली काउंट जूलियन भी हमारी मदद को तैयार है। मैं कल ही वहाँ की मालूमात के लिए कुछ लोगों को रवाना करता हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो तारिक। आओ तारिक नवीस, बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ। अभी तक मेरी बेटी की भी कोई खबर नहीं आई। मैं तारिक के बारे में सोच रहा था।
क्या वह स्पेन फतेह कर सकेगा? तुम क्या कहते हो? हुजूर, मैं मुसलमानों को बहुत करीब से जानता हूँ। इस्लाम इस खित्ते में अब जल्द ही फैल जाएगा, इसलिए मुसलमानों के साथ हमें बात बनाकर रखनी होगी। ये लोग बहुत बाउसूल और बाकिरदार हैं। तारिक मुसलमान है, मुसलमानों के जज्बे जिहाद से आप वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं तारिक के हमरा जा सकता हूँ? तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? क्या तारीख लिखोगे जंग की? हुजूर, मैं ये बात मैंने इससे पहले छुपाई हुई थी, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। मुझे शक था इस बारे में। अब मैं आपको भी दीन हक की कबूलियत की दावत देता हूँ। इसलिए मैं पहले इस्लाम का तफसीली मुताला करना चाहता हूँ। यकीन जानिए, आपके लिए सरासर सलामती का दीन है ये। السلام علیکم طارق بن زیاد۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ میں اسپین سے آیا ہوں، محل کی زندگی کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ سپاہیو، یہ ہمارا ایک اہم آزمائشی سفر ہے جس میں خالد بن ماس تمہارے امیر ہوں گے۔ کمانڈر ماس، اپنے آپ کو حت الامکان خفیہ رکھنا۔ عمر، مسلم، تم لوگ تمام معلومات لے کر آنا۔ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فی امان اللہ۔ یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ آ جان، سناؤ آج تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ حضور، آج تو بہت سی خبریں ہیں، اتنی کہ ساری پڑھ کر سنا بھی نہ سکوں۔ اور زیادہ تر خبریں اس بارے میں ہیں کہ مسلمان اندلس کے کنارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد چند سو ہے۔ کیا صرف چند مسلمان؟ جی حضور، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کونٹ جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنڈا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا، ایک بہت اہم خبر ہے۔ جلدی بتاؤ۔ حضور، فلورنڈا گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی، گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ٹوڈو نے زبردست کام کیا، شاباش ٹوڈو۔ ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے، اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں امیر تاریخ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں، اور یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہوں گی۔ مسلم بھائی، چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آئیے حضور، آئیے، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ دوست، ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں۔ بھائی، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو۔ او ہاں، آپ تو مسلمان ہیں نا۔ چلو بھائی، جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ دوست، یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے؟ اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے، اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے
जो कि मर्दाना लिबास में थी। कौन हो सकती है वो औरत? ये जरूर फ्लोरेंडा होगी। हाँ सही कहा, मेरा भी यही ख्याल था, मगर मेरी बीवी यकीन नहीं कर रही थी। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं ठीक कहता था। बात तो सुनो यार, ये तो बताओ तुम्हारे ख्याल में सिपाही से कहाँ लेकर जाएंगे? हो सकता है गवर्नर ट्यूडू के पास ले जाए, क्योंकि वो उसी के सिपाही थे। मगर किस रास्ते से? वहाँ से ट्यूडू इस औरत को रेडरिक बादशाह के पास भेजेगा, जहाँ से जनूबी सीम का पहाड़ी रास्ता तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता है। आज रात वो जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। अरे अरे, अरे रुको रुको, खाना तो ले जाओ, अपना सफर लंबा है तुम्हारा। यहाँ की साफ जमीन बता रही है कि अब तक यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरा। इसका मतलब ये है कि ये लोग जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। हमें इनके इंतजार में आज रात यहीं गुजारनी होगी। चलो अब ये रास्ता बंद करके हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। अब ऐसा करो, अपने अपने घोड़ों को दूर बांध दो। मंसूबा बंदी मुकम्मल है, इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। ऊपर पहाड़ी पर मौजूद पहरेदार साथी हमें खबरदार कर देंगे। मुस्लिम भाई कुछ देर आराम कर लो, ताजा दम हो जाओगे। क्या हुआ, क्या वो आ रहे हैं? तैयार हो जाओ, लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, ज्यादा शोर ना करो। वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले लो। खामोश हो जाओ और ये आग बुझाओ। इन आदमियों ने हमारे दो मौजिस पादरियों को कत्ल किया है, जिसके सजा के तौर पर बादशाह के हुक्म से इन्हें जिंदा जलाया जाएगा, जिससे कबल इन्हें एक बार फिर ईमान लाने की दावत दी जाएगी। ए गुनाहगारो, तुम भूलो नहीं कि तुम अब मरने के करीब हो। बेहतर यही है कि ईसा पर ईमान लो कि वो अल्लाह का बेटा है और रूहुल कुद्स है। लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। हम दुआ करेंगे कि खुदा के हुजूर तुम्हें माफी मिल जाए। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बोलते से ना रोको। मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो और मुझे बोलने दो। ए लोगो, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमने किसी पादरी को नहीं कत्ल किया। ये लोग हमें गुनाहगार कहते हैं, जबकि हम सच्ची ईसाइयत को मानते हैं, जिसकी तालीम ईसा और इससे पहले के पैगंबरों ने दी, और वो यही है कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं। ईसा खुदा के पैगंबर हैं, जिन्हें गुमराह यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बनाकर हमें तौहीद से दूर किया। ये लोग बादशाह के पिट्ठू हैं, मजहब के ठेकेदार बनकर अपने इख्तदार को खुदाए वाहिद के साथ गलत मंसूब करते हैं। इन लोगों पलट आओ अपने रब की तरफ। गवारे ना अल्लाह, अल्लाह गवारे ना, इन लोगों गवारे ना अल्लाह। ऐ खुदा, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारी मदद कर, हमें इस जालिम हुक्मरान और इसके टोले से निजात दिला दे। खुदा का शुक्र है कि हमें उसके घर की तामीर का यहाँ मौका मिल रहा है। कमांडर तारिक, दो जहाज हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं।
अमीर तारिक, मुसलमान महाजरीन हमारी पनाह में हैं। हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। इन महाजरीन की पूरी मदद करो, खाना खिलाओ और रिहाइश और कपड़ों वगैरह का भी बंदोबस्त करो। हम स्पेन के दारुकूमत टोरिडो से आए हैं। जब से रॉड्रिक बादशाह बना है, जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। हम सेप्टे जाना चाह रहे थे कि सिपाहियों को इत्तला मिल गई और वो हमारे पीछे दौड़ पड़े। शुक्र है खुदा का कि आपने हमारी जान बचाई। हम आपको हर किस्म की मदद देंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं। स्पेन के लोग मुसलमानों की अफवाज के मुंतजिर हैं, जो उन्हें जालिम हुकूमत से निजात दिलाएगी। हुजूर, कल हमने 3 आदमी पकड़े, मगर अभी तक मालूम नहीं हो सका कि वो किसके खिलाफ साजिश में शरीक हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हुजूर, मुझे वो तो बागियों के ग्रुप में लगते हैं। लियोन, पता करके बताओ उन फरार होने वाले मुसलमानों का क्या हुआ, और अब यहाँ से अगर कोई भागा तो इसकी सजा तुम्हें उठानी होगी, समझे? मैं स्पेन में कोई बगावत और साजिश बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर, बड़ी बुरी खबर है, काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरेंडा कल रात से लापता है। लानत हो, बड़ी बुरी खबर सुनाई तुमने। लियोन, फ्लोरेंडा को हमें जरूर ढूंढना है, मुझे हर हाल में वो वापस चाहिए। खबर फैला दो, जासूसों को चकन्ना कर दो और बाहर के तमाम रास्ते बंद कर दो, समझे? सुन लो, मैं किसी सूरत नाकामी नहीं चाहता। स्पेन से आने वाले महाजरीन का कैंप तेजी से बढ़ रहा है, हमें इनका पूरा ख्याल रखना होगा। और बेटा, सब ठीक है ना? जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर इतनी तेजी से ये लोग आते रहे तो इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा, सर्दियां भी आने को हैं। क्या कर सकते हैं, मशवरा दो। जनाब, ये आपकी बेटी की तरफ से बहुत अहम खबर आई है। प्यारे वालिद, यहाँ रॉड्रिक के इरादे ठीक नहीं हैं। उसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। यहाँ हालात बहुत खराब हैं। आपके भेजे हुए लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुमकिन है कि आज रात मैं यहाँ से फरार हो जाऊं। ये मेरा आखिरी कबूतर था जिसे आपके पास भेज रही हूँ। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। आपकी बेटी फ्लोरेंडा। वो आ गए हैं, हमें घुड़सवार नजर आ रहे हैं, इत्तला कर दो। हजूर, मुसलमान का वफ्त आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ठीक है, अच्छा वो स्पेन से आए हुए तारीख दान को बुलाओ। तारिक बिन ज़ियाद आ रहा है, ये चौथा मुस्लिम वाली है जो मुझसे मिलने आ रहा है। इन सब में ये सबसे कम उम्र है। हाँ भाई, सुनाओ
अब कैसे हो? जी हाँ, अब मैं काफी बेहतर हूँ। असल में रॉड्रिक से फरार होकर आना कोई आसान बात न थी। मेरी बेटी का कुछ पता है? रॉड्रिक सफाक और जालिम बादशाह है, जो जहन में आता है करने लगता है। अब वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा है, जो कि उसकी कैद से फरार हो गई है। रॉड्रिक के आदमी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। उस पागल को रोकना पड़ेगा, वो इंसान नहीं है। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। काउंट, मैं आपसे तारीख नवीस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अरे ये क्या? अरे आगे रास्ता बंद है, रुक जाओ। पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। आओ हम सब मिलकर रास्ता खोलते हैं। अरे तो देखो ये आग, ये तो अभी अभी बुझाई गई है। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, ये कुछ आ रहा है, निकलो यहाँ से। अपने हथियार फेंक दो, तुम फंस चुके हो चारों तरफ से। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेर लिए गए हो। अपने अपने हाथ उठा लो और सीधी तरह बाहर आ जाओ। कौन है तुम लोग? फजूल के सवालात मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और बाहर आ जाओ। क्या तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ का गवर्नर हूँ? तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ, वरना इस लड़की की गर्दन काट डालूंगा। किसी ने हरकत की तो ये लड़की मारी जाएगी। देखो टूडो, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे, और अगर हमसे बच भी गए तो रॉड्रिक तुम्हें कत्ल करवा देगा। मेरे रास्ते में कोई ना आए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसे वाकई कत्ल कर दूंगा। बेवकूफो, जल्दी से मुझे अपना घोड़ा दो। अरे मक्कार लड़की। अल्लाहु अकबर, हमने बगैर किसी नुकसान के कामयाबी हासिल कर ली। इन सिपाहियों को जल्दी बांधो और निकलो यहाँ से। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई और इसे जालिमों की कैद से छुड़ाया। ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे बहुत काम आए हैं। चलिए। हम स्पेन नहीं गए बल्कि बराए रास यहाँ आ गए। हमारे लोग आपके सिपाहियों के इखलास से बेहद मुतासिर हैं और इन्हें तहाइफ से नवाज रहे हैं। ये सब इस्लाम की बदौलत है। हमारा दीन बेहतरीन अखलाक सिखाता है, ख्वा जंग हो या अमन। अमीर तारिक, मूसा बिन नसीर का पैगाम डर आया है। अरे कमांडर रूमी, आप? कमांडर तारिक बिन जियाद, क्या खूब। खुशामदीद भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। भाई तुम तो बड़ी खुशखबरियां भेज रहे हो। ये बताएं उंदलुस की क्या खबर है? उंदलुस का रास्ता खुल चुका है, मैं यही पैगाम लेकर आया था। मूसा बिन नसीर यहाँ के लिए एक बड़ी फौज रवाना कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे लिए रास्ते खोल दे और इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। मेरे मुजाहिदो, तुम वो लोग हो जो खालिक कायनात के अहकामात की पैरवी करते हो, तुम वो हो जो उसके रास्ते पर अपनी जाने निछावर करते हो। सिपाहियों, ये सारी जमीन अल्लाह की है, इस पर अल्लाह ही का हुक्म चलेगा, और जान लो कि हम अल्लाह के नायब हैं। अब हमारा सफर स्पेन की जानिब होगा, जहाँ जालिम रॉड्रिक पाचा काबिज है।
उसे इस्लाम की दावत दी जाएगी या फिर इस्लामी हुकूमत के जेर साया आने की। अगर नहीं मानेगा तो फिर कलमाए हक को बुलंद करने के लिए दुश्मनाने दीन के साथ जंग होगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें नामुराद नहीं करेगा। मेरे सिपाहियों सुनो, बहुत गौर से सुनो, तुम औरतों और बच्चों को हाथ नहीं लगाओगे, खड़ी फसलों और दरख्तों को भी तबाह नहीं करोगे। जान लो, कभी हद से आगे नहीं बढ़ना। इस मुश्किल मुहिम के लिए मैं तारिक बिन जियाद को तुम्हारा सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। अमीर की इताअत तुम सब पर वाजिब है। हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। सुनो तारिक, एक अहम जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। हम अमन और सलामती का पैगाम लेकर निकले हैं, इसलिए ख्याल रखना, तलवार से जमीन तो फतह होगी लेकिन लोगों के दिल हमारे अखलाक और किरदार से ही फतह होगी। मैं यहाँ का बादशाह हूँ, इस मरतबा बगैर कामयाबी के नहीं जाऊँगा। पिछली मरतबा बागियों का कमांडर हमसे बच गया था, अब हमें दोबारा मौका मिला है। हुजूर आप फिक्र ना करें, इन बागियों को तो हम खत्म कर देंगे, मगर इन गारों का क्या करेंगे जिनकी वजह से ये बच जाते हैं। गार? फिर वही गार? हुजूर वही पहले वाले बागी पहाड़ पे नजर आए। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही बागी हैं? हुजूरे वाला, इन पे वही एक सींग वाला कमांडर है। क्या कहा तुमने, एक सींग वाला? दोबारा वही मुसीबत, इस बार मैं वो सींग ही तोड़ दूंगा। बादशाह सलामत आगे मत जाए, ये लोग ऊपर की तरफ है, ये ज्यादा आसानी से हमें तीरों का निशाना बना सकते हैं। ये सब यहाँ कैसे पहुँच गए? हमें ये इतला मिली है कि ये तमाम घर आपस में अंदर से मिले हुए हैं और इनमें अंदर ही अंदर रास्ते हैं। सूर्य वाला, मुसलमान अफवाज हमारे जनूबी किनारे की तरफ पहुंच गई है, वो लोग बड़ी तादाद में हैं। बड़ी तादाद? गिरफ्तार कैदियों को जंग में शामिल होने की शर्त पर आजाद कर दो। और तुमने कहा कि अल्फांसो अपनी फौज के साथ आ रहा है, क्या वो वाकई हमारी मदद करेगा? जी हुजूर, वो बिल्कुल हमारा साथ देगा। हाँ लियोन, बताओ बर्बास के बारे में कोई इत्तला? लगता है कोई अच्छी खबर लाए होंगे। जी हुजूर, बर्बास अपनी फौज के साथ हमारे साथ शामिल हो गया। शाबाश, अब हमारी फौज की तादाद कितनी हो गई है? अल्फांसो के आने के बाद हमारी अफवाज की तादाद 70,000 के करीब पहुँच गई है। तो फिर हम जंग मुअत्तल नहीं करते, कल ही हम जनूब की तरफ चलेंगे। खुदा का शुक्र है कि मुझे स्पेन की अजीम तारीख लिखने का मौका मिला।
स्पेन के जुनूब के अक्सर शहर वालों ने मुस्लिम फौज से बगैर जंग किए हथियार डाल दिए। इस दौरान तारिक के पास ये इत्तला पहुंची कि रॉड्रिक अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ जुनूब की तरफ से आ रहा है। इस खबर से मुसलमान सिपाही फिक्रमंद हो गए। मुसलमानों की फौज के सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद ने ये खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर के पास भिजवा दी। फिक्र न करो, गवर्नर मूसा बिन नुसैर हमारी मदद के लिए फौज भेज रहे हैं। हुजूर, फरस्तादा आया है। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, लगता है अच्छी खबर लाए हो। मूसा बिन नुसैर ने 5,000 का लश्कर तारिक के पास भेजा था, जबकि मद्दे मुकाबिल कम से कम 70,000 की फौज थी। वाकई एक तारीख साज फैसला होने जा रहा था। अमीर तारिक, 5,000 सिपाही पहुंच गए हैं, बड़े जहाज वापस भेज दिए गए हैं, जबकि कुछ किश्तियां भी बाकी हैं। ठीक है, ऐसा करो कि बच जाने वाली तमाम कश्तियों को जला दो। कश्तियां जला दें? क्या आप संजीदा हैं? हाँ, मैं बहुत संजीदा हूँ। वक्त जाया ना करो, जाओ हुकुम की तामील करो। मुझे लगता है हमने इन लोगों को बहुत अहमियत दे दी। इनके लिए तो हमारी आधी फौज ही काफी थी। मेरे मुजाहिदो, ये धुआं जो तुम देख रहे हो ये हमारी कश्तियों का है। मैंने इनको जलाने का हुक्म दिया था। साथियों, हमने यहाँ आने में बहुत तकलीफ उठाई है, अब हमें पीछे नहीं देखना है। वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। दुश्मन की फौज आ रही है जो तादाद में हमसे ज्यादा है। इनके मुकाबले पर हमारा बुलंद मकसद ईमान, ये तीर और तलवार ही है। शहादत की तलब दिलों में बसाए हम जान हथेली पर लिए सिर्फ अल्लाह की रजा और दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। मुहिम की कामयाबी के लिए हमें भरपूर मंसूबा बंदी और अपने अमीर की अतात को लाजिम करना होगा। हमने तेजी ना दिखाई तो सिर्फ दुश्मन से बचना ही मसला ना होगा, बल्कि खाने पीने का भी मसला हो जाएगा। मगर सच्ची बात यह है कि जो मुजाहिद शहादत का शौक रखता है इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे सिपाहियों, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ मैं खुद भी इसी रास्ते पर जा रहा हूँ, और तुम मुझे इस रास्ते पर सबसे आगे देखोगे। सिपाहियों, अगर मैं रॉड्रिक से पहले मर गया तो अपने में से किसी जहीन और तजुर्बेकार फर्द को मेरी जगह से फैसलार बना लेना, जो इस मिशन को तकमील तक पहुंचा सके। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है इसे हर हाल में अंजाम देना है। आखिरकार दोनों लश्कर जुनूब में वाक़े दरियाए अशबेलिया के किनारों पर आमने सामने जमा हो गए और एक अजीम मार्के की तैयारियां शुरू हो गईं। आज रात ये लोग आराम करने वाले लग रहे हैं, हमें इन पर नजर रखनी होगी। आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। वो देखो, पीछे इनका सामान रस भी आ रहा है। वाकई बहुत सारा सामान है। आज कुछ सिपाही पहरे पर लगाते हैं, वैसे ये लोग हमले में पहल नहीं करेंगे बल्कि हमारी फौज देखकर अफ्रीका वापस चले जाएंगे। मजूर वाला, खिदमतगारों को करीब कर ले, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये मसले मेरे पास नहीं आया करो। हम यहाँ शहर बसाने नहीं आए, जंग लड़ने आए हैं। हुजूर आला, आप क्या हुआ? हुजूर आला, तारिक बिन ज़ियाद का एलची आया है, आपसे मिलना चाहता है। लगता है वो हमें हथियार डालने की खबर देने आया है। हालत खराब हो गई है इन बिचारों की, लगता है शिकस्त मान रहे हैं। इनको मेरे खेमे में लाओ।
मुसलमानों के सिपा सालार तारिक बिन जियाद की तरफ से स्पेन के बादशाह रॉड्रिक के लिए। ये हफ्शी मुझे पैगाम सुनाएगा? क्या तुम्हारे पास कोई गैर हफ्शी पैगाम सुनाने के लिए नहीं था? ये हफ्शी नहीं, तारिक बिन जियाद के नाइब है। ठीक है इसे पढ़ने दो, मगर जरा जल्दी। सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि उनके हम पर कुछ हुकूक हैं। मतलब ये है कि तुम हमें अपने ही मुल्क में हकूक देना चाहते हो? अगर तुम हथियार डाल दो और इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वरना इस्लामी हुकूमत के जेरे साये आ जाओ जहां तुम्हें सारे हुकूक दिए जाएंगे। बहुत हो गया, इनको बाहर निकाल दो और अपने कमांडर से कहना कि मुझे सिर्फ अपने हथियार डालने की जगह बताए। अरे देखो पानी साफ नहीं है, गंदा है, कुछ है पानी में? हाँ सही है, पानी वाकई गंदा है। वो लोग कुछ करने आए थे, शायद हमारा पानी बंद या खराब करना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमारी गफलत से फायदा उठाया है? पानी को खराब करके वो कोई फायदा ना उठा सकेंगे। अगर पानी साफ नहीं है तब भी इस्तेमाल कर लो। मेरा ख्याल है वहां पे कोई सरगर्मी हुई है, वहां अपना आदमी भेज के मालूम करो कि क्या हुआ है। तारिक बिन ज़ियाद पानी साफ ना होने की वजह जानना चाहता था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि दरिया का मगरबी किनारा खाली है। कोई भी ये वजह नहीं जानता था कि दुश्मन ने अपने पहरेदार मगरब की तरफ से क्यों हटाए। हो सकता था कि दुश्मन ने अपने सामान रस्त और अकाबरीन की हिफाजत के लिए मगरबी किनारे वाले सिपाही भी बुलवा लिए हों। तारिक ने दुश्मन की इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और मगरबी किनारे से अपने सिपाही दाखिल करवा के अचानक हमला कर दिया। दुश्मन फौज के होशियार होने से पहले ही उनके सामान रस्त पर कब्जा कर लिया। सुबह सवेरे तक मुसलमानों ने यह गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर ली थी। दुश्मन का सारा सामान रस्त अब मुसलमानों के हाथ आ गया था। कैसे हुआ ये? क्या कर रही थी हमारी फौज? साथियों, अल्लाह की मदद और नुसरत से दुश्मन की चाल नाकाम हो गई। हमारा पानी बंद करने वाले अब खुद अपने सामान से महरूम हो गए। अब ये स्पेनी फौज बदले की आग में हम पर वहशियों की तरह हमला करेगी। हमें दानिशमंदी के साथ इनका डट के मुकाबला करना है। हमारी घोड़सवार फौज इनका सामना करेगी और इनकी पहली सफ को तबाह करेगी, जबकि मगरिब की तरफ से हमारे तीर अंदाज दुश्मन को दरिया पार करने से रोकेंगे। मेरे बहादुरों, तबाह कर दो इन बेवकूफों को, हमला करके जल्दी से इन पागलों का काम तमाम कर दो। साथियों, ना होने देना, खत्म कर दो दुश्मन दीन को। अल्लाह अकबर। कोई दुश्मन बच कर ना जाने पाए, सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। वहां से जाओ दरिया की दूसरी जानिब है दुश्मन। रुक जाओ, हमें ना मारो।
तारिक बिन ज़ियाद का नया हरबा बहुत मुफीद रहा। अक्सर स्पेनी सिपाही दरिया में डूब गए। इस मकाम पर मुस्लिम अफवाज ने इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की कि तारिक बिन ज़ियाद के जहन में भी न था। शाम के बाद बाकी दिन मुस्लिम अफवाज ने ताजा दम होने में अपना वक्त गुजारा, जबकि दूसरी जानिब स्पेनी अफवाज अपने जख्मियों को उठाने में लगे रहे। मुसलमानों ने दूसरे दिन की तैयारी के लिए रात में दरिया के किनारे खंदकें खोद ली। तारिक बिन ज़ियाद जंग को तूल देना चाह रहा था क्योंकि सामान रस्त मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, हम इस जगह साई का सामना नहीं कर सकते। दूसरे दिन स्पेनी फौज जंग के मूड में न थी। उस दिन दरिया के किनारे बस छोटी छोटी झड़पें होती रही। जो धचका उन्हें पहले रोज लगा था वो अब तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। दरिया पार करने के सारे खुफिया रास्ते तलाश करो। आज जंग को 7 रोज हो चुके हैं। दरिया के किनारे मुख्तसर झड़पें जारी हैं। स्पेनी फौज दरिया के मगरबी किनारे की तरफ आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान उनको हर बार पीछे हटा देते हैं। अब मामला अपने आखिरी मरहले पर जाता नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि कल एक मुख्तलिफ दिन होगा। सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। मेरे प्यारे सिपाहियों, मुजाहिदो, एक हफ्ते में हमने अल्लाह की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। आज रात हम दुश्मन को इसके हाल पर छोड़ देंगे। अगर आज वो दरिया पार करना चाहेगा तो और उसे मौका देंगे। अब जंग का फैसला कुन मरहला करीब आ गया है। मेरे दोस्तों, दुश्मन आज रात दरिया पार करने की कोशिश करेगा तो सुबह ये सब थके हुए होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्द जाकर सो जाएं और खूब आराम करें। हम नमाज फजर के बाद ही दुश्मन पर हमला कर देंगे और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चलो शब बख़ैर, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। चलो शब बख़ैर। आज जंग का 8वां दिन है। तारिक की मंसूबाबंदी कामयाब रही। जंग सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुई। नमाज फजर के बाद ताजा दम मुसलमान अफवाज ने दुश्मन पर भरपूर हमला किया। घुड़सवार दुश्मन की तरफ बढ़े। सबसे आगे तारिक बिन ज़ियाद था। जब स्पेन की फौज को मुसलमानों के आने की खबर हुई, वो उस वक्त गीले और थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और पोजीशन संभाली। इधर मुसलमान घुड़सवारों ने बादशाह का खेमा देखा और उसकी तरफ घोड़े दौड़ा दिए। भाइयों, फौरी तौर पे अपनी पोजीशन ले लो, दुश्मन बचने न पाए। हुजूर, बर्बाद फरार हो गया। मुझे यही उम्मीद थी, तुम लोगों ने कहा था वो ऐसा नहीं करेगा। मैं इसको बाद में देख लूंगा, अभी मैदान पे तवज्जो दो। हुजूर, वो देखिए, मुसलमान हमारे करीब पहुंच गए। मुझे लगता है हम फंस गए चारों तरफ से। अरे हर तरफ से मुसलमान हम पर हमला आवर। अरे क्या होगा महाराजा? सबको मार दो।
को बच कर ना जाए। बादशाह सलामत, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉड्रिक, तुम बड़े किस्मत वाले थे जो मुझसे अभी तक सामना नहीं हुआ। रुक जा, बादशाह सलामत मर गया, भागो। इस दौरान स्पेनी फौज में उनके बादशाह रॉड्रिक के मरने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद उनकी फौज मैदान से भागना शुरू हो गई। उनका बहुत बुरा हाल था। तारिक बिन ज़ियाद ने इस अजीम फतह की खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर को भिजवा दी, तो जवाब आया कि हालात देखते हुए फैसला करो और दुश्मनों के पीछे जाने के बजाय वहीं रहकर अपने कदम मजबूत करो। मगर तारिक ने सोचा, अगर हम दुश्मन के पीछे न गए और यहीं रुके रहे तो दुश्मन दोबारा मुनज्जम होकर मजबूत हो जाएगा, इसलिए वो उनके पीछे पेशकदमी करता रहा। तारिक आगे बढ़ता रहा और सर्दियां आने से कभी बहुत सी फतूहात करके वापस स्पेन पहुंच गया। कुछ अरसे बाद मूसा बिन नुसैर भी तारिक के पास स्पेन पहुंच गए। मूसा बिन नुसैर तारिक के इस फैसले पर नाराज नहीं हुए, जबकि तारिक के लिए भी यह फैसला आसान न था। इसके बाद मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद ने मिलकर कई शहर फतह किए और स्पेन को जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया।